नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। कभी बदजुबानी में माहिर माने जाने वाले तुर्की के बाजे अब बेसुरे अंदाज में बज रहे हैं। तुर्की भी अब दूसरा हुबेई बनने की तरफ बढ़ रहा है। यूरोप के 8 करोड़ 40 लाख की आबादी वाले देश में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। हालत यह है कि 13 मार्च को यहां पर वायरस की एंट्री हुई थी और अब तक 16 लोग हुरों की खोज में निकल भागे हैं। यानी रेडिकल इस्लाम की यह धरती पिछले 14 दिनों में काफी रेडिकलाइज हो चुकी है, जहां हुरों के दीदार करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और स्वास्थ्य मंत्री फेरसिन कोका केवल बात बनाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। वैसे कल तक कुरान को इस बीमारी का इलाज बताने वालों ने सबसे पहले तुर्की की मस्जिदों पर ही ताले लगाए। यानी ईमान पर टिकने की दुआई देने वाले दुकान को छोड़ने वालों में पहले नंबर पर थे। इस वक्त किसी मुल्ला का ताबीज और ईमान का गंडा काम नहीं आ रहा है। जिन धार्मिक स्थलों में गर्दन पटक कर काफिर के पाठ पढ़ाए जाते थे, अब उसी काफिर से दवा की खोज की उम्मीद लगाई जा रही है। मतलब अब इनके तहमंद को सुकड़ने से काफिर ही बचा सकते हैं। तुर्की में हर रोज चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। यहां संक्रमित लोगों की संख्या 1106 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 4205 मरीज में से 410 संक्रमित पाए गए हैं, जो 1800 गुना तेजी से बढ़े हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है अगले एक हफ्ते में यहां 18000 से लोग संक्रमित हो सकते हैं। यानी 8.5 करोड़ की आबादी में यह आंकड़ा भयावह है। बड़ी बात यह है कि तुर्की दवाओं और मेडिकल उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित है। ऐसे में यहां हालात बेकाबू होने की संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में आयात निर्यात बामुश्किल 8% भी नहीं हो रहा। स्थिति यह है कि एर्दोगन केवल स्कूल कॉलेज और मस्जिदों की तालाबंदी करके भीड़ कम करने की योजना बना रहे हैं। वे अभी तक तुर्की को लॉकडाउन नहीं कर पाए हैं, जिससे हालात और ज्यादा पेचीदा हो चुके हैं। तुर्की ने पिछले दिनों G20 की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मोदी के विचार पर भारत की खुलकर प्रशंसा की थी। इसी की आड़ में तुर्की ने भारत से मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन देने की गुहार भी लगाई थी। अब मुल्क में तेजी से बढ़ते मामलों से घबराया तुर्की चीन की शरण में पहुंच गया है। उसने चीन से मदद करने की प्रार्थना की है। आपको बता दें कि चीन के साथ भी तुर्की के रिश्ते बेहतर नहीं रहे हैं। खासतौर से उइगरों के मुद्दे पर तुर्की चीन की घेराबंदी करता रहा है, पर चूंकि यह कौम मतलब पश्चिम अव्वल होती है, इसलिए दुनिया के मुस्लिम मुल्क उन्हीं देशों के आगे दुम हिला रहे हैं जिन्हें यह काफिर मुल्क बोलकर तशरीफ को मटकाते रहे हैं। वैसे भारत समेत तुर्की भी उन देशों में शामिल था जिसने फरवरी में चीन को मदद भेजी थी। अब तुर्की उसी का वास्ता देकर चीन से सहयोग मांग रहा है। तुर्की ने चीन से दवाइयां भेजने को कहा है, पर चीन द्वारा भेजे जाने वाली दवाइयां पूरी तरह निर्यात की जाएगी, जिसके लिए चीन ने 2 हफ्ते की समय सीमा निर्धारित की है। मगर तब तक तुर्की इस महामारी का बड़ा शिकार हो सकता है। इधर तुर्की भारत के आगे भी गिड़गिड़ा रहा है। भारत में इस वक्त दवाई और सर्जिकल इक्विपमेंट का अतिरिक्त कोटा है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है। मोदी सरकार ने दुनिया में आपदा को देखते हुए 19 मार्च से निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। बड़ी बात यह है कि भारत में मास्क बनाने वाली 400 से ज्यादा इकाइयां मौजूद हैं, जो प्रतिदिन 2 करोड़ से ज्यादा मास्क बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए भारत ने अपने मित्र देशों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अमेरिका, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका की मदद भी की जा रही है। इसके अलावा यूरोप के देशों को भी भारत ने मास्क भेजे हैं। खास बात यह है कि WHO ने भारत के प्रयासों की जमकर सराहना की है और इस वायरस से लड़ाई में भारत की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। खासतौर से मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का दुनिया के देश भी अनुसरण करने को मजबूर हुए हैं। दुनिया अचंभित है कि भारत ने 130 करोड़ की आबादी को लॉकडाउन करके सबसे साहसिक फैसला कर लिया, जबकि विकसित देश भी ऐसा करने का हौसला नहीं दिखा पाए हैं। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री कोका ने भारत से संपर्क करके इस रोग से मुकाबला करने हेतु जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। भारत इस इस्लामी मुल्क की कितनी मदद कर पाएगा, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। पर यह जरूर तय हो चुका है कि दुनिया में गुरु एक ही है और वह है हिंदुस्तान। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।